तो दोस्तों, मछली बनाने के लिए हम ये तीन प्याज लेंगे छोटे साइज का, और दो लहसुन लेंगे मीडियम साइज का, और इसमें ये तीन या चार मिर्च लेंगे तीन, और एक अदरक का टुकड़ा लेंगे ये छोटा सा, जो कि अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम इसे मछली की रेसिपी बनाना। सबसे पहले आप फ्राई करेंगे मछली को, और ये है वो मसाले जो हमने अच्छी तरह से मिलाया है, गार्निश किया है गार्निश में। इसमें है व्हाइट वाली सफेद, यानी सफेद सरसों, और कुछ साबुत मसाले जैसे मिर्च, दालचीनी, इलायची, जायफल इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जो हमने गार्निश की अच्छे से, और ये मछली मसाला के लिए बिल्कुल तैयार है, ये रेडी है। और इसमें थोड़ा सा हम मिलाएंगे कैच मसाले, ये जो कि इसका फ्लेवर, इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अपने फिश को आप ऐसे करके फ्राई कर सकते हैं, एक एक करके दो दो करके आप करिए। और आप देख रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, बाकी अपने फिश को फ्राई करके रख लिया हूँ। इसे अगर फिश कच्ची होती है तो आपको खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। हर तरफ से आपको घुमा कर फ्राई करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने ये प्याज है, तीन से चार बड़ी प्याज ली है मैंने, ये भी अच्छे से गार्निश कर ली है मैंने। और ये हमारा लहसुन है, लहसुन और अदरक है इसमें है, और मैंने तीन से चार मिर्च लिए छोटे छोटे, और ये इसे काट लिया हमने, और हम इसको अब ये फ्राई में डालेंगे। ये बिल्कुल देसी तरीका है, जैसे यूपी बिहार में हम बनाते हैं मछली को। आप यूपी और बिहार के स्टाइल में मछली बना के एक बार उसको देखें। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। ये मिर्च आप अपने जितना तीखा खाना चाहते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है, उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिश हमने फ्राई पूरी कर दी है। फिश फ्राई करने के बाद अब हम प्याज को अच्छी तरह से पकाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, अब हमारी प्याज लाल हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे इसमें।
इसको खूब अच्छे से मिलाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ये मिल जाए। और उसे लो मीडियम पे बिल्कुल पकाते रहेंगे हल्की आंचों पर। और याद रखें दोस्तों, ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल जलने की खुशबू या जलने के तेजी में पकड़ना नहीं चाहिए, इसे हम चलाते रहते हैं इसीलिए। ताकि प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो मसाले हमने तैयार किए थे, इसमें हमने मिला दिए हैं। और इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल मिलाएंगे, मसाले को पकाएंगे लो मीडियम पे। और याद रखें, आप जब भी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो उसमें गर्म पानी का यूज कीजिए। अगर पानी आप ठंडा डालते हैं तो उससे होता है कि मसाले और हमारे फट जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, पानी अलग दिखता है और मसाले अलग दिखने लगते हैं। अब ये हो चुका है लगभग, इसको थोड़ा देर हम ढक के रखेंगे। दोस्तों अब ये मसाला बिल्कुल पक गया है हमारा, ये बिल्कुल पकड़ना नहीं चाहिए नहीं तो इसका स्वाद थोड़ा चेंज आता है, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। और मछली की ये रेसिपी तैयार करना हमने अपने दादाजी से सीखा है, वो बिल्कुल ऐसा ही बनाते थे और इसलिए मैंने भी बनाने के बिल्कुल सिंपल वे में यूज किया है। ऐसे थाली में रख के प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि पहले हमारे जब दादाजी के जमाने में गार्डन नहीं हुआ करता था, गिलास में ऐसे बना लेते थे लोग पेस्ट तो हमने भी बिल्कुल ऐसे ही देसी तैयार किया हुआ है रेसिपी। और इसे एक बार और ढकेंगे। अब इसको हम देखते हैं, दोस्तों अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसमें गर्म किया हुआ पानी ऐड करेंगे। अब आपको जितनी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसमें पानी जितना चाहें। अब ये बिल्कुल ग्रेवी हमारी ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। और हमने अब जो फ्राई की थी फिश, अब उसको इसमें ऐड करेंगे।
हमने फिश को सारी ऐड कर दिया है, बिल्कुल इसे मिला करके बिल्कुल लो फ्लेम पे। पांच मिनट के लिए इसे अब ढक देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा इस तरह से ग्रेवी बिल्कुल हो चुका है। थोड़ा सा हमें और इसे एक बार ढकने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। एक मिनट के लिए इसे और हम ढकेंगे। दोस्तों हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, हमने गैस को बंद कर दिया। अब इसको गार्निश करने के लिए हम इस पे थोड़ा सा धनिया डालेंगे और धनिया के फ्लेवर से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो आप दोस्तों हमें बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको, कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।